प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको गर्मी में तिल की खेती की बात करूंगा। बरसात में जो तिल की खेती होती है उस पर बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में तिल की खेती करके आप बहुत अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी में तिल की खेती बहुत आसान और लाभकर है। तिल का उत्पादन वर्षा ऋतु की अपेक्षाकृत गर्मी के मौसम में अधिक होती है। गर्मी में कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी काफी होता है, जिसके नाते फसल अच्छी नहीं होती है। किसान भाइयों, तिल में प्रोटीन की मात्रा 30% तक होती है और इसमें तेल 45-50% तक निकल जाता है। तिल के तेल में बहुत पहले से हमारे पूर्वज भोजन पकाया करते थे। अपने यहाँ दो प्रकार का तिल बोया जाता है, काला तिल और सफेद तिल। तिल की खेती के लिए गर्मी की जलवायु अनुकूल होती है, बारिश के पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अच्छा होता है, यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। तिल की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में आप कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट, जिसमें जैविक खाद हो, गोबर की खाद हो, तो फसल काफी अच्छी होगी। बुआई से पूर्व खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें और इसी समय खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उचित मात्रा में डालें। गर्मी में उगाने वाली जातियां यहाँ दी जा रही हैं, किसान भाई इन जातियों को ढूंढ कर खेती करें। TKG 21, यह किस्म 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। TKG एक दूसरी जाति है, TKG 20, JT 7, JT 81, JT 27, JT 75, ये 85 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस जाति से पैदावार मिल जाती है। इन जातियों के अलावा TC 25, RB 46, T 13, RT 125, T 78, RT 127, RT 346, BRJ 1, पंजाब तिल 1, TMG 4, TMG 5, चिल्का रामा, गुजरात तिल, हरियाणा तिल 1, CO 1, तरुण, सूर्या, B 67, प्यायूर 1, शेखर और सुमा, ये और भी जातियां हैं जिनसे अच्छी उपज मिलती है। गर्मी की खेती के लिए तिल की बुआई फरवरी में कर देनी चाहिए, ये काफी उपयुक्त समय है जब मैं आपको बोल रहा हूं। 1 हेक्टेयर में तिल की खेती के लिए 5 से 6 किलो तिल आवश्यक होती है। बोते समय बीज को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर छिड़कना चाहिए, जिससे बीज समान रूप से पूरे खेत में फैल जाए। किसान भाइयों, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेत में 250 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करें और इसके साथ ही
100 से 125 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। गर्मी में तिल की खेती में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई कर देनी चाहिए। फसल में पत्ती और फल की सुंडी का अधिक प्रकोप होता है, ये पत्तियों और फलों को खाकर उसमें जाला बना देते हैं। किसान भाई रासायनिक कीट नियंत्रण न करें, क्योंकि इससे लागत अधिक लगती है और इसमें उपज को की गुणवत्ता पर खराब प्रभाव पड़ता है। जैविक नियंत्रण करें, इसके लिए बुआई के पहले 250 ग्राम नीम की खली 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। प्रति केजी बीज को ट्राइकोडर्मा हार्जियेनम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करें, बीज शोधित करें। ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाकर बुआई करें। खड़ी फसल में नीम आधारित रसायन एजाडेक्ट्रिन की 3 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार घोल की मात्रा बढ़ा लें और छिड़काव करें, अथवा नीम का तेल 10 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मूंग के साथ तिल की खेती करने पर कीड़े कम लगते हैं, तो आप चाहें तो इसके साथ मूंग की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल में फिलोडी नामक एक बीमारी होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा कहा जाता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें इसका पुष्प विन्यास खराब हो जाता है, इस पर झुलसा रोग भी लगता है। रोग नियंत्रण के लिए बीज का उपचार आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से लेकर बीज को उपचारित करें और नीम का तेल 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जब फसल में फूल आने लगे तो अधिक सिंचाई नहीं करें, नहीं तो फूल के गिर जाने का भय रहता है। बुआई के 45 दिनों तक खेत में खरपतवार न रहने दें। बुआई के तुरंत बाद एल्कोलर 1.5 लीटर 1.5 लीटर 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। घोल बनाने के लिए पानी में 60 ml दवा मिलाकर घोल बनाएं। अधिकांश फलियों के पीला होने पर कटाई कर लेनी चाहिए, इसके गट्ठर बनाकर सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे कि इसकी फलियां चिटक जाएंगी और आसानी से बीज इसके आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये खरीफ और रबी के बीज की फसल होगी, आप इसे उगाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।